वाघ जख्मी झाला तरी तो आयशाला कंटाळत नाही, तो थांबतो, तो वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा तो बाहेर पडतो. नंदनमाळ नांदरमाळ संघ जिथे जिथे कुठे असेल त्याने संपर्क साधा. नांदनमाळ नांदरमाळ संघ आला असतील तर उपस्थिती नोंदवायची आहे. नांदरमाळ संघ जिथे कुठे असतील त्याने हात वरती करायचे आहे. नांदरमाळ बघा सुंदर चेंडू होता. सुंदर चेंडूमध्ये एक तर नक्कीच पहिला चेंडू चौकार, दुसरा चेंडू डॉट. धावसंख्या काल पोहोचते 26 आणि 26 वादाला विकेटच्या दस्तानामध्ये चेंडू जाते चौकार. आजच्या दिवसामध्ये जर विचार केला माननीय श्री विजयशी शिंदे साहेब यांचं सुद्धा आगमन आहे. कोण आहे? सचिन ट्रान्सफर वांगणे यांचा सुद्धा संघ आहे. तो सुद्धा मागील वर्षी सुद्धा याच मैदानात सचिन ट्रान्सफर वांगणे संघ क्वालिफाय संघ झाला होता. त्यांना नक्कीच विजय शिंदे साहेबांना माहित आहे ही त्यांचं परफेक्ट मैदान आहे आणि त्यांचा संघ सुद्धा याच मैदानावरती नगर अध्यक्ष चषकामध्ये संघ आहे. आजच्या दिवसामध्ये येणारा सामना असेल नक्कीच सचिन ट्रान्सफर वांगणे. धावसंख्या भरभटे, धावसंख्या 30. बघा नांदरमाळ संघ आला असेल तर उपस्थिती नोंदवायचे, त्यांना शेवटचा पुकार असेल. नांदरमाळ संघ जिथे कुठे असेल त्याने हात वरती करायचा, त्यांना शेवटचा पुकार असेल. नाहीतर नक्कीच आखरे कांडोळपाडा वर्सेस शिवचा पाडा नाणेबीचे कॉल करायचा आहे. नांदरमाळ आला शेवटचे दोन चेंडू खेळी शिल्लक. नांदरमाळ संघ आला असेल तर नक्कीच त्याने हात वरती करायचा आहे, नाहीतर अखर कांडोळपाडा वर्सेस शिवतापाडा नाणेबीचा कॉल करायचा आहे. नांदरमाळ संघ नक्कीच अभिजित संघ सचिन ट्रान्सफर वांगणी संघ या आहे आणि नक्कीच त्याला नांदरमाळ संघ जिथे कुठे असेल त्याने समाज कशा संपर्क साधाय. षटक संपते, यस षटकाची समाधान होते. धावसंख्या दान पोहोचते 34-34. शेवटचा चेंडू आहे मित्र. षटक संपते. कारण 34 रन धावसंख्या धावर पोहोचते 34 धाव. एक विश्वासी फटकेबाजी बघायला मिळते कारण 11 सरासरीने संघ चाललेला आहे. कर्डन प्रथम फलंदाजी करतो. सलामीची जोडी मध्ये अजूनपर्यंत कोणता फलंदाज बाद राहील. 9 बॉलचा इशारा येतोय. एक 9 बॉलचा इशारा येतोय. एक धावून एक 9 बॉल अशा दोन धावा घेतल्या जातात. दोन धावा ऍड केल्या जातात धावसंख्येमध्ये. आजच्या मध्ये जर विचार केला तर पंचांची घरी नक्कीच यावेळी पंचाचं सुद्धा सन्मान केला जाते. की पंच मध्ये एक पंचामध्ये सन्मान केला जातो. या क्रिकेट मध्ये पंच म्हणून गेले आहेत त्याचे सुद्धा आभारी आहे. एक सुमित पंच घरी करतात कारण साहेब हिट चेंडू होता. बघा जीवाचं रार करू नका, आपण धावा वाचवायचे काम नक्कीच केलं आहे. पण डॉट चेंडू आहे, डॉट चेंडू फार महत्व आहे. प्रथम चित्रक स्वीकारते आणि त्याच पद्धतीने हरभरून सामने धावसंख्या 36 रन.
वाइट साइड सारे तो अवांतर एक नो बॉल एक वाइट अतिरिक्त धाम हुए था जो पोजीशन में रहने गए अतिरिक्त धाम हुए 37 धाव से कैसे वो जो सड़क आ है तो सुबह जो सड़क आज होनी पांच चिंडी का खेल सिल्ले का है पांच चिंडी में धावा गने कर देता है ओहो सुंदर फटका लेच्या दिशेने खेळायचा होता फटका पण नक्कीच चेंडू गेला पॉइंटच्या दरम्यामध्ये आणि नक्कीच या ठिकाणी एक सिंगल येते फटका खेळायचा होता सर्क 30 सर्कच्या अंडर मध्ये चेंडू आहे हा जीना एक धाव होती आणि एक धाव महत्त्वपूर्वक धावसंख्या 39-39 वाघ जखमी झाला तरी तो आयशाला कंटाळत नाही तो थांबतो वेळ जाऊ देतो तीच जसे तोच थरार घेऊन पराभवाने माणूस संपत नाही प्रयत्न सोडतो तो माणूस संपतोय कारण इथे प्रयत्न करावे लागेल प्रयत्न तुम्हाला प्रयत्नशील करावे लागतील अशी नक्कीच यामध्ये विश्वास फलंदाजी करावी लागेल सुंदर फटका लोका दरवाजा ते शिवाय 30 सेकंदात क्षेत्ररक्षणा एक नाही तर दुसरी गोल कॉल आहे नक्कीच दोन धावा पूर्ण रन द बिटवीन पूर्णपणे दोन धावा याच मैदानावरती आजचा सन्मान स्कोर होता नेगेटिव्ह काळी दोन संघाचा 4 षटकामध्ये 53 धावा जमवल्या होत्या पण नक्कीच त्याच्यावर पावलावर पाऊल उचलून संघ चालतो की नाही गार्डन संघ लाईन केला नका जाऊ दिलं तर व्हायचा इशारा ते एक अवांतर धावती सिंगल षटकामध्ये नक्कीच दोन चेंडूचा खेळ सिले काय पण व्हायचा इशारा ते अवांतर 43-43 धाव संख्या सॉरी मगसी नक्कीच 42 धावा त्या आता दोन धावसंख्या ऍड केला मग नक्कीच थोडी स्कोरिंग मध्ये नक्कीच या ठिकाणी गुणलेखामध्ये थोडीशी चुकी होते चुकीले पण आम्ही तुम्ही माफी मागतोय नक्कीच कारण दोन धावा आता नक्कीच 44 धावसंख्या झालेली आहे 4-4 एक सुंदर साधेदारी बघायला मिळते शेवटचा चेंडू सुंदर साधेदारी सलामीची जोडी मैदानामध्ये अजूनही जर विचार केला तर काही कोणत्या प्रकारचे गडी भर नाही पण शेवटच्या सामने धावचित होते यामध्ये एक गडी बाद होतोय एक गडी बाद शेवटचा वैभव बाद होते पण सडक संपते 4 षटकाचा खेळ समाप्त होते धावसंख्या आहे गार्डन संघाची एक गडी बाद 44 विजयाची विजयासाठी लक्ष आहे दाबोचा संघाला 24 चेंडू 45-45 रन शिवचपाळा संघ आले असेल ते नक्कीच नारवीचं कॉल करेल शिवचपाळा संघ शिवचपाळा संघ अभिजित संघ या समान कक्षामध्ये आहे नारवी कॉल तयार करण्यासाठी पण नक्कीच शिवचपाळा संघ मानश्री सुधीर गुदर मानश्री सुधीर गुदर नानवीचं कॉल करायचं नानवीचं कॉल करायचं मानश्री सुधीर गुदर या शिवाचा पाडा आणि आकर कांडोपाडा यांच्या माध्यमातून कॉल करायचं आहे हे बघा आजच्या दिवसामध्ये सचिन ट्रान्सफर वांगणीचं विजय सिद्धे साहेबांच्या या माध्यमातून नक्की जर पहिला कॉल झाला पण नक्की जर तुमचं सुद्धा आम्ही स्वागत करतो या दिवसामध्ये तुमचं या ठिकाणी आगमन होते सुधीर गुदर साहेब यांच्या हस्ते कॉल होते बघा शिवाचा पाडा वर्सेस अकर कांडोळपाडा
माननीय श्री सुधीर बुधर यांच्या माध्यमातून नाणेबिचा कॉल होते शिवचा पाडा आणि अकरे कहणोर पाडा कर्डल संघाला वारा खेळाडू गोलंदाजचं नाव सांगायचं आहे मित्रा चंद्रकांत खेल तो एक बार फिर से स्टार्ट दोनों टीम इस मैदान पर भिड़ेंगी किसका पगड़ा भारी नजर आता हुआ आने वाला समय बताएगा चंद्रकांत गेंदबाजी प्रांत के लिए गेंदबाजी करेंगे राउंड द विकेट से गेंदबाजी चालू है करण और नोस्टेकला मयूर गेंद सही ठिकाने पर लगती हुई गेंद सही ठिकाने पर लगती हुई जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस सुनने पर बाद होने के बाद यहाँ पर बड़ी मछली का जाल में फंस गया चलते रहो जना अपना तो काम अपने लिए दरवाजे खुले हैं पहले विकेट का पतन लाजवाब गेंदबाजी डाली हुई चंद्रिका ने जैसी गेंद डाली है वैसी का नतीजा आने वाला समय बताएगा करण लोड चले भाई किरण सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर थे सलामी वीर मैदान के पहली गेंद सही ठिकाने पर डाली थी लेग बिफोर आउट सही ठिकाने पर डालने के बाद विश्वास के धोने एक विश्वास जिताने वाला गेंद डाली थी उसके बाद जवाब दिया गेंद पैन में भेज दिया बल्लेबाज को वापस सुनने पर खिलाड़ी लौट चले भाई दूसरी गेंद जारी एक गेंद महत्वपूर्वक सामना क्या लाजवाब चलता हुआ दोनों टीम भिड़ेंगी क्रॉस द लाइन आगे निकल कर खेलना चाहते हल्के हाथों से खेलना चाहते ढीले हाथों से खेलना चाहते लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं लेकिन डॉट डिलीवरी कहीं जहां पर पहुंचना है 45 पर जीत संपन्न करना है पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम कर्डन टीम ने एक विकेट खोने के बाद 44 रन बनाए 44 रन बनाए जीत संपन्न करना है 45 रन को अगर देखा जाए तो दोनों टीम का पगड़ा भारी है इस भाई गलती कर बैठे गेंदबाज व्हाइट का इसमें खाते में जुड़ता हुआ अब व्हाइट के खाते में आता जीता रहता है लेकिन यहाँ पर दोनों टीम चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो एक विश्वास के साथ उभरते हैं कोई खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरते गलती करने गलती का एहसास करना है ये मत भूले कि अपने लिए तो शॉर्ट पेज गेंद यहाँ पर मिड करके यहाँ पर खिलाड़ी तैनात लोगों की दिशा में एक केवल देखा जाए तो सिंगल आता हुआ उनके बल्ले से निकलता हुआ एक रन दो रन अभी दो रन के बाद स्टैक पर रहे देखा जाए तो एक बड़ा खिलाड़ी मयूर जहां जाते वहां एक बड़ा खिलाड़ी है उनके मूल बत्ते पर टीम पहुंची है इस मैदान पर नगर अध्यक्ष दस्का में तो उनका तारीफ मैं जरूर करूंगा पीस गेंद यहां पर खिलाड़ी पीछे नीचे 30 के अंदर यहां पर खिलाड़ी जरूर है अब सर की निगाह रहता है मयूर के ऊपर निगाह है मयूर के ऊपर विश्वास से अभी गेंद हुए हैं चार निकाय है मयूर के ऊपर एक बड़ी मछली जाल में फंस गया लेकिन दूसरा बड़ी मछली अपने नोज टैग पर सिंगल लेकर अपना खाता ओपन करता हुआ बल्लेबाज मयूर अभी पांचवी गेंद जारी हल्ला बोल चले बल्ले का अंदरूनी किनारा सीधी गेंद जाती हुई जोली में एक और विकेट का पतन दूसरे विकेट का पतन नया बल्लेबाज राजेश हर मैच में हर सामने में हर टीम में राजेश नाम के बहुत खिलाड़ी होते हैं लेकिन इस बार राजेश को संभालना है तो अभी आखिरी गेंद बचे भाई अब आखिरी गेंद में कितना रन आते हैं लेकिन मयूर अभी भी सामने सलामी बल्लेबाज
केवल स्कोर हुआ 3 रन, जहां पर 45 रनों की जीत चाहिए। कौन जीतेगा आने वाला समय बताएगा। हल्ला बोल चालू करेगा कौन। चंद्रकांत वापसी करते हुए नजर आते हुए इस मैदान पर राजीव गांधी नगरी में जवाहर नगरी में लाजवाब प्रतियोगिता यहां पर लौंगा की दिशा में गेंद जाती हुई यहां पर अभी दूसरे के लिए कॉल है लेकिन सिंगल लिया, सिंगल से रहेंगे निर्भर। देखिए आना भला बला नहीं चला, सीधा बला चलाया लेकिन 30 सेकंड के बाहर गेंद जाती हुई लौंगा की दिशा में। केवल ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर वाइज केवल देखा जाए तो 2 विकेट के नुकसान पर दावोसा टीम का स्कोर वाइज टोटल बनता हुआ 4 रन। अभी भी 18 गेंद में चाहिए 41 रन की जरूरत। जब तक मयूर है नो स्टेक पर वक्त दावोसा टीम का हल्ला बोल चालू होगा। लक्ष्मण देवाज स्मरण कर अपने गेंदबाजी का भार संभाले, ये मत भूलिए कि अपने लक्ष्मण गेंदबाजी का भार संभाले, आने वाला समय बताएगा कितनी किसका पगड़ा भारी नजर आता है। शांत मन के यहाँ पर नो स्टेक पर मयूर है, उसके बाद खंधे पर जिम्मेदारी है, विश्वास देकर लड़ना है भाई, स्वाभाविक गेम खेलना है। इस पिच पर कंक्रीट की पिच है, सुपर मैदान है, जवाहर नगरी में 1 नंबर 1 मैदान है, उसके बाद जवाब देना है, अभी बल्ले के साथ जवाब देना है। आने वाला समय बताएगा गेंद और बल्ले का सही संपर्क, गेंद जाती हुई यहां पर खिलाड़ी नीचे पीछे पकड़ेगी क्या तो मिलेगी सफलता, 1 और विकेट का पतन। अभी बल्ला सही चलाया था लेकिन बाएं हाथ का बल्ला नहीं लेकिन राइट हाथ का बल्ला चलाया था, उसके बाद पॉइंट अभी पॉइंट का दिशा में 30 सेकंड के अंदर में खिलाड़ी था, उसके बाद पीछे मुड़कर कैच लपका। राजेश पनेल लोड से अन्ना भाई अपने तरफ से खंडे पर विश्वास देकर लड़ रहा है। मयूर दूसरी ओर का दूसरा गेंद सामना करेंगे, दर्शकों का दगाद है कर भाई मयूर से बल्ले से 1 ना 2 जवान निकलना चाहेंगे तो। अभी देखा जाए तो मयूर का बल्ला खामोश रखा है। इस साल में रणनीति देखने को मिले हैं मयूर की, मयूर से बल्ले से कोई लाजवाब शॉट अभी तक आया नहीं और सोचता है कि अपने खिलाड़ी सोचता है, मेरे समर्थक सोचता है, यूट्यूब से माध्यम घर बैठ के अपने टीवी से देख सकता, मोबाइल पर देख सकते है कि मयूर कब बल्ला चलने वाला है। वो बल्ला चलाया उसने, काफी देर गेंद हवा में चलकती हुई लेकिन विकेट का बटन बड़ी मछली जाल में फंस गई। दावोसा टीम का हल्ला बोल नहीं तो दावोसा टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी आउट होने चलते बने भाई। ना कुछ जरूर है मयूर, चार खिलाड़ी लोड से पहल में एक विकट परिस्थिति में यहां पर लोड से दावोसा टीम गर्दन टीम का पगड़ा भारी नजर आता हुआ। इस समय खूबसूरत गेंदबाजी, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद डॉट, मयूर का बल्ले का और गेंद का सही संपर्क ने भेज देना जब दर्शक दरगाह में भेजता हूं लेकिन उसका बाद उम्मीद करना होगी, उनकी तारीफ करना होगी ये गेंदबाजी की लक्ष्मण की। अगर लक्ष्मण की तारीफ करना होगी दूसरी मोड़ दिया, बल्लेबाज को मोड़ दिया, फाइन खेला है बल्ला और गेंद का सही संपर्क लेकिन जमीन लगे शॉट गेंद खेलता हुआ यहाँ पर वैभव तैयार है बल्लेबाज, अपनी क्षेत्र का मुजारा करते हुए सिंगल लिया, सिंगल से रहेंगे निर्भर। केवल सिंगल की वजह से 5 रन, अभी तक 40 रनों की जरूरत है, बड़ा लक्ष्य है अपने खंधे पर, बड़ा टोटल है यहाँ पर, बड़ा टोटल के साथ जाना है। अभी चार गेंद ये बल्ला और गेंद का सही संपर्क नहीं, गेंद जाती विकेट के दस्तान में काफी देर लग चुकी है लेकिन आएगा यहाँ पर चौवा, एक चौवा निकलता हुआ, स्कोर हुआ है 9 रन, अभी तक 36 रनों की दरकार, 13 गेंदों में चाहे 36 रन, 36 रन। साढ़े 15 के
पुराने रेट सिक्स करने का क्लाच मोशन हो गेंद के अंदर तक दीर्घा में खेल दिया स्टैंड में गेंद जाती हुई छह रन के लिए काफी देर लग चुकी है। 10 विकेट में 10 रन लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहां पर दाबोसा टीम स्कोर हुआ है यहां पर 15 रन। पहले से शुरुआती में झटका लग चुका था, शुरुआती में झटके लगने के बाद चार खिलाड़ी लौटने के बाद उसके बाद इस समय दूसरे ओवर में दूसरी गेंद पांचवी और छठवीं गेंद में बेमिसाल फटका देखने को मिला इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर। देसी आशा थी निराश किया है मयूर ने, निराश किया है राजेश ने और ये दोनों बल्लेबाज निराश करने वाले नहीं है। लेकिन अभी तक स्कोर हुआ है 15 रन, जीत संपन्न करना है अभी तक 12 गेंदों में चाहे 30 रन। मनोहर गेंदबाजी का भार संभाले 30 गेंद में सॉरी 30 रन चाहिए 15 किलोमीटर से चलना होगा व्हाइट का इशारा 12 गेंद में चाहिए 29 रन। आप देख सकते हैं जो दोन और समाध के बाद 12 गेंद में 15 रन बने थे उसके बाद पहली गेंद पर तीसरी गेंद में भार संभालते हुए मनोहर यहाँ पर अभी व्हाइट का इशारा में खाते में जाता हुआ ना चुके टीम को नहीं यहाँ पर गेंद जाते हैं मेघ भी में शॉट छेद है लाजवाब जानते हो दर्द की क्या लाजवाब शॉट आने वाला समय बजेगा मैं पकड़े किसका भारी नजर आता इस समय अल्लाह बोले साले दाबोसा टीम का खीमा जागता उठा हुआ है यहाँ पर देखने को मिल सकता है दाबोसा टीम का हल्ला बोल चाले स्कोर हुआ है यहाँ पर 22 रन। दोन और महत्वपूर्वक ये बल्लेबाज चमकता हुआ तेजस अन्ना अन्ना चमकता हुआ यहाँ पर वैभव खिलाड़ी पीछे है नीचे खिलाड़ी हाँ जी एक ले दूसरे के लिए पलटे गलती ना कर बैठे फील्डिंग का मजा करते हुए केवल यहाँ पर वैभव सिंगल नहीं डबल। अभी वो उनको मालूम है कि जब अपने बड़ा शॉट नहीं तो सिंगल में डबल में तब्दील कर सकते हैं। केवल दो रन से मदद से स्कोर हुआ है केवल 24 रन। सारा लेकर निकल आगे निकल कर खेलना चाहते हैं लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं डॉट डिलीवरी ठीक कर रहा। अभी तक 3 गेंद बची है 9 गेंद में व्हाइट का इशारा आते हुए सही दिशा में गेंद डालनी होगी। जैसी गेंद पिछला गेंद डाला था वही दिशा में गेंद डालने हुए उसका नतीजा आने वाला है। अभी यहाँ पर अन्ना तैयार है दो बड़े शॉट एक सवा निकलते हुआ हल्ला बोल चल रहे दो बड़े शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ लाजवाब पारी और इस बार ना पारी के झुके खिलाड़ी पीछे पीछे खिलाड़ी गेंद जाती हुई यहाँ पर एक नहीं तो दो दूसरे के लिए पलटे हर गेंद में प्रहार करते हुए उनको मालूम है जरूर है यहाँ पर अपना विकेट महत्वपूर्वक है 2 रन। आठ चेंडू का खेल जारी दूसरा तीसरा ओवर चालू है। इस बार खिलाड़ी पीछे इस बार गेंद गई है यहाँ पर दर्शक दीर्घा में एक ओवर का चमकता हल्ला बोल चालू है दो सुनार की एक लोहार की लोहा उनका गर्म हो चुका है यहाँ पर गेंद जाते हुए अन्ना का गेंद जाते हुए दर्शक दीर्घा स्कोर वाइज 33। अभी आखिरी गेंद बची है देखने को मिला एक समय लग रहा था बड़ा टोटल अपने स्कोर बढ़े है लेकिन उसके बाद तारीफ करूंगा ये अन्ना की अभी भी सही है 7 गेंदों में 12 रन। अभी करीब करीब मुकाबला यहाँ पर 50-50 तक है यहाँ पर दाबोसा टीम का आखिरी गेंद बचे 7 गेंद बचे स्कोर वाइज 33 रन। इस बार लाजवाब शॉट डबल का शॉट एक और छक्का लाजवाब शॉट तारीफ करूंगा 4 छक्के उनके बल्ले से निकलता हुआ एक चौवा
49 स्कोर 39। आने वाला समय बताया 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। इस ओवर में आए हैं 6 गेंदों में 24 रन आए बहुत उम्र हुआ। अब देखेंगे जरूर है किसका पगड़ा भारी नजर आता हुआ। अन्ना का हल्ला वो 4 छक्के 1.6 गेंदों में चाहिए यहाँ पर 6 रन। दिल की धड़कने वाला खेल मयूर यहाँ पर खेल चले। अभी गेंदबाजी का भार संभालेंगे सोमनाथ। वाह वेगले स्टाइल में गेंदबाजी करे झूले झूले बाल। वाह मित्र जवानी का जोर से खंडे पर जिम्मेदार है 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। इस बार ना चुके लोंगर की दिशा में खिलाड़ी पीछे नीचे खिलाड़ी गेंद जाती है यहाँ पर 1.4 रन के लिए। अभी 4 खिलाड़ी लौटने के बाद पैर में लौटने के बाद दाबोसा टीम का दबदबा। जब दाबोसा का दबदबा बोलने लगता है नासिक जिले में आवाज जाता है उनकी तरफ यहाँ पर देखने को मिलता हुआ ये दाबोसा टीम का दब हल्ला बोल। जब 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद यहाँ पर संघर्ष जारी है 4-5 गेंदों में चाहिए 2 रन। एक और नकी आगे निकल के खेलना चाहते लेकिन लोगों की दिशा में एक गेंद जरूर 1 रन जरूर दूसरे के लिए पलटे लेकिन टीम जीत संपन्न करते हुए। मैंने कहा था ना हार मानने वाली नहीं।